दोस्तों एयरटेल के मुनाफे में क्यों आई 73% की गिरावट, क्यों हुआ एयरटेल को 270 करोड़ रुपए का नुकसान। अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप अंत तक का जरूर देखिए और अगर आप जियो ग्राहक हैं तो इस वीडियो को अभी का अभी शेयर कर दीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुपु दीक्षित, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल ओनली सिंगल लाइक। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वीडियो में आगे आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। दोस्तों इंडिया के टेलीकॉम कंपनियों के बीच में चल रहे संघर्ष में जियो ने एक बार फिर बाजी मार दी है। जियो की तरफ से मिल रहे मुश्किल कंपटीशन को दिग्गज कंपनी एयरटेल भी नहीं झेल पा रही है। गुरुवार को इस वित्त वर्ष 2019 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून तक के नतीजे जारी किए गए हैं। इन नतीजों में पाया गया है कि एयरटेल कंपनी को इस दौरान 73% का बड़ा नुकसान हुआ है। आप तो जानते ही हैं कि किसके और किसके बीच में अभी जंग चल रही है। दोस्तों इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में काफी कंपटीशन का माहौल चल रहा है। सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धा जियो, एयरटेल और वोडाफोन के बीच चल रही है। कभी जियो प्लान सस्ती करती है तो उसके बाद एयरटेल कोई नया प्लान लॉन्च कर देती है। इनके साथ साथ वोडाफोन भी पीछे नहीं रहती और वो भी अपने नए ऑफर्स यूजर्स के लिए पेश करती रहती है। एयरटेल को क्यों हुआ नुकसान बताता हूँ। दोस्तों हालांकि सबसे बड़ा कंपटीशन जियो और एयरटेल के बीच में ही है, लेकिन जियो की पॉपुलैरिटी डे बाय डे बढ़ती जा रही है। ऐसे में एयरटेल को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस वर्ष की पहली तिमाही में आए नतीजों से साफ है कि एयरटेल को बहुत बड़ा घाटा हुआ है। चलिए जान लेते हैं कितना हुआ घाटा और क्यों हुआ घाटा। अरे भैया बता रहा हूँ। दोस्तों एयरटेल कंपनी ने पिछले वर्ष की तिमाही में 367.30 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया था, लेकिन इस वर्ष कंपनी का मुनाफा सिर्फ 97.30 करोड़ यानी 97.3 करोड़ रुपीस समथिंग का हुआ है। लिहाजा इस साल कंपनी को 270 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इससे साफ है कि कंपनी को इस वर्ष 73% का बड़ा घाटा हुआ है। क्या कंपनी को है सुधार की जरूरत, आप क्या कहते हो। दोस्तों इसके अलावा एयरटेल के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू यानी कि समेकित राजस्व की बात करें तो उसमें भी काफी कमी आई है। पिछले वर्ष जून तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 21,958.10 करोड़ रुपए का था, जो इस वर्ष 20,080 करोड़ का रह गया है। लिहाजा कंपनी को वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ही 1,457.20 करोड़ रुपए की हानि हुई है। अब कंपनी को अगर इस नुकसान की भरपाई करनी है तो उसे जियो और वोडाफोन से सस्ते ऑफर्स और अच्छे नेटवर्क को पेश करना होगा। आई होप कि दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिए, मन में कोई सवाल है सुझाव तो कमेंट करिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलता हूं अगले और एक्साइटेड वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। दोस्तों अगर आप जियो ग्राहक है तो फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टा कहीं पे भी शेयर जरूर करना।